कुछ पूछ रहे हैं कि कितना कितने मिनट एक्सटेंड होगी। एक गाली भी लिख रहा है पिताजी। कहां से सीखी है बेटा गाली? सर कल रात को पापा दे रहे थे मम्मी को। अच्छा, फिर सीखी है तो कोई बात नहीं, वहीं से सीखी होगी ना, और क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या किया जाए? कुछ ताली वाली बजाएंगे इनके लिए? छोड़ो, बवाल कर देंगे। बोले सर रहने दो, कोई बात नहीं, भोले बच्चे हैं। ठीक है, वहीं से सीखते होंगे ना। हाँ हाँ बेटा, ये जो तूने अभी गाली दी थी ना, इससे बढ़िया बढ़िया वाली जानता हूं। हाँ, कभी मिलेगा तो आराम से सुनाऊंगा, घबरा मत। हाँ, जबरदस्त वाली, कानों में से बोलते हैं ना खून आने लग जाएगा। बोले सर ऐसी तो सुनी नहीं थी कभी। ये वाली कौन सी है? बट अभी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जिस पोजीशन और जो काम मैं कर रहा हूं उस पर सूट नहीं करेगा। फिर तुम लोग ही बोलोगे सर टीचर होके गाली देते हो आप। हाँ, टीचर तो अभी बने हैं, 4-5 साल या 8 साल पहले, उससे पहले तुम्हारे जैसे ही थे। समझ में आया? हाँ, तो 13 एक्सपीरियंस प्लस 8, तेरे से तो कितना बड़ा होगा शायद। तो ऐसी ऐसी दीदी जाएगी, कानों में से खून निकलने लगेगा। हाँ, और भूल जाओगे, सीधा सीधा गुरुजी पर आ जाओगे नमस्ते करने। अब सामने देखो। हाँ, कुछ लोग हैं वो सोच रहे हैं कि यहां पर लिख लेंगे, इसको पता नहीं चलेगा। पता चल रहा है साफ साफ, ये तो शराफत है। बोले ना कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय ने कंट्रोल कर रखा है बेटा पूरा पूरा। एक बार जमा जम छोड़ दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आ जाइए। हाँ, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे टीचर्स बड़े भोले हैं, कुछ नहीं जानते। अभी क्या बोला मैंने? ऐसी ऐसी जानते हैं कि कानों में से खून निकल आएगा। और जो तुम सोचते हो ना हमारे पास सर बड़ी बड़ी वाली है, कुछ नहीं है उसके आगे, सुनी भी नहीं होंगी ऐसी तो। सर सीरियसली? हाँ जी। तो बार बार प्रोवोक मत करें, और आपके पास ज्यादा गालियां हैं तो आपके घर पर जो सदस्य मौजूद है उनको लाइन में बिठा कर दो ना यार, वही तुम्हें धरती पर लेके आए, उन्हीं को दो, मुझे काहे दे रहे हो। हाँ, उनको पहले दो कि आपने ऐसी गलती क्यों करी। ठीक है, आ जाइए भैया, इतना बहुत है क्या? हाँ सर बहुत है, आ जाओ।